हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वेव सोशियोलॉजी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर ऑल द न्यू अपडेट्स। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टेस्ट सीरीज नंबर 42। तो फिर चलिए देखते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम से नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 91। The difference between the university and the deemed university is that the former, तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है looks after only affiliated colleges। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, which of the following is or are the examples of oriental learning programs? तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है डाटा एंट्री ऑपरेटर, देन वेब डिजाइनिंग, देन एनिमेशन प्रोग्राम्स। ऑल द थ्री आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, द ड्यूरेशन ऑफ ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम कोर्सेस इज, तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, यानी कि 6 months एंड 1 year, बोथ आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, इन विच ईयर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यानी कि PMKVY, वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, एग्जांपल्स ऑफ कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इज ओ आर, तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ग्रेजुएशन, देन MBA, देन LLB। All the three are the correct answer. Next question number 96. The first IIT was set up in 1951 at. तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है खड़गपुर। Next question number 97. In which year the University of Roorkee was converted to IIT Roorkee? तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, द फर्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज एस्टेब्लिश्ड एट, तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, देयर आर हाउ मेनी IITs इन इंडिया, तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, यानी कि NITTTR इज लोकेटेड इन, तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि चंडीगढ़ एंड चेन्नई एंड कोलकाता। ऑल द थ्री आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIS इज लोकेटेड इन, तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस गॉट द टॉप रैंक इन इंडिया इन द बेस्ट यूनिवर्सिटी कैटेगरी एज पर द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क
NIRF 2018, तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है IIS बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट IIM इन इंडिया, तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है IIM रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, द कंसेप्ट ऑफ ओपन स्कूल इंप्लाई, तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है स्कूल्स विच विल नॉट बी बाउंड बाई फिक्स्ड करिकुलर। तो फिर चलिए इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 105, MOOC स्टैंड्स फॉर, तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो फिर चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।